आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आज क्षेत्र में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, आशाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को विधायक विनोद चमोली के माध्यम से आज जीआरडी स्कूल के परिसर में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, पीपी किट आदि से बनी किट प्रदान की गई। वहीं क्षेत्रीय पार्षद वार्ड नंबर 74 के सतीश कश्यप ने कहा कि ये किट भेंट करना बहुत छोटी बात है, असल माध्यम तो आज लोगों का सम्मान करना है। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से राकेश की रिपोर्ट। कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, आशाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो इन सभी को आज माननीय विधायक धर्मपुर विधानसभा के हमारे विनोद चमोली जी के माध्यम से हमने कोरोना में किट प्रदान की है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है और पीपी किट है, साबुन वगैरह कई चीज़ें उसमें किट पूरी बनी हुई है, वो सभी को वितरित की है। लेकिन वो तो एक छोटा सा किट बनाई गई थी वो है, लेकिन असल मकसद तो था इन सब लोगों का सम्मान करना जो अपनी जान पे खेल कर इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, तो एक सम्मान के तौर पर आज हमारा वो कार्यक्रम था जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा सभी को किट प्रदान की गई। ये ज़रूरी है कि ठीक है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसी सरकार कोरोना कर्फ्यू में ढील दे या कुछ छूट प्रदान करे हम तुरंत ही घरों से बाहर निकल पड़ें, ऐसा ना करें, क्योंकि ये तुरंत और तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, सब लोगों को इसकी अब जानकारी हो गई है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। मेरा सिर्फ संदेश यही है क्षेत्रवासियों को भी कि जरूरी काम के लिए बाहर निकलें। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की सूचना हमें मिल रही है कि शायद एक दो दिन में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ढील देने पर सभी लोग बाजार की ओर दौड़ पड़ें और अपने फिर वायरस की चपेट में आए। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।